बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर फोर है। चैप्टर फोर का जो नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनको किस तरह हम हैंडल करेंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन मैं वो चंद टाइप डिस्कस करूँगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है जी, तो पहले हम इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। पहला जो सबसे पहले है जी, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता है जी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ये लाइन आ गई, ठीक है जी। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है ओरिजेंटल लाइन, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है। सेंटर में ओरिजिन आ गया, ये इसको एक्स डैश कह लें या नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस या वाई डैश। पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉइंट की लोकेशन इस तरह हम लिखते हैं जी पी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, कोई भी पॉइंट को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। जब भी ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, मतलब सपोज एक्स वाई, तो जो पहले वाला कंपोनेंट होगा उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है जी, एब्सिसा, और जो दूसरा है उसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो समटाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन में उसने लिखा होता है एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब होता है जो कोऑर्डिनेट में एक्स का जो कंपोनेंट है उसको एब्सिसा कहते हैं और वाई वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो अगर कोई पॉइंट दिया हो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ये हमारा क्वाड्रेंट वन है, दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए तो इसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज आल्सो नेगेटिव। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। ठीक हो गया। तो मैं एक एमसीक्यू लिखता हूँ, बड़ा सिंपल सा। द पॉइंट एक्स वाई lies in second quadrant, then yx lies in dash quadrant. तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उसकी लोकेशन क्या है पॉइंट की। डिफरेंट टाइप से ये क्वेश्चन बन सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, अब गिवन है जी एक्स वाई हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो हमारे जो हम इसका आंसर हम साइन से कर सकते हैं, मतलब इसका साइन डिसाइड करेंगे कि साइन किस तरह के होंगे। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होंगे, फर्स्ट आपका नेगेटिव होता है और सेकेंड हमारा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, y x बन जाए और x y बन जाए, तो जाहिर सी बात है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आपका x वाले कंपोनेंट में आ जाएगा और नेगेटिव आपका y वाले कंपोनेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो देखें x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब x पॉजिटिव और y नेगेटिव अगर आप देखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, जो कि इस ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, तो इस तरह आपको लोकेशन का पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पहली एक्सरसाइज में यूज़ किया गया है और ये पूरे चैप्टर में भी यूज़ होता है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर दो पॉइंट दिए हों एक्स वन वाई वन, सपोज एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इनके दरमियान में ये वाला डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट है जी एक्स वन वाई वन एंड दिस वन इज एक्स टू वाई टू। डिस्टेंस फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट। एक्स टू माइनस एक्स वन या एक्स वन माइनस एक्स टू करने, जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये नहीं करना कि एक्स टू माइनस वाई टू कर दें, वो गलत हो जाएगा। अदरवाइज एक्स को जैसे मर्जी चेंज कर दें, वाई को जैसे मर्जी चेंज कर दें, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगी। इसका भी एक एमसीक्यू देख लेते हैं। द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस
बिटवीन द पॉइंट टू थ्री एंड फोर थ्री. यस ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी फोर, ऑप्शन सी 16 एंड ऑप्शन डी 9. ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फाइंड करना है. दो पॉइंट आपको दिए गए हैं, तो दो पॉइंट से जस्ट आपको डिस्टेंस बताना है उसका. तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. सॉरी, ये स्क्वायर है, ये हो गया डिस्टेंस. लेकिन उसने कहा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये डी स्क्वायर बन जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट ऊपर से कैंसिल हो जाएगा और जीरो आ जाएगा. तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर. हाँ, आप अगर क्वेश्चन को आप गौर से नहीं पढ़ोगे स्टेटमेंट से, हो सकता है कि आप आंसर इसका ये वाला 2 कर दें. ठीक है, लेकिन उसने स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जो कि 4 ही है. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी रेशो फॉर्मूला. रेशो फॉर्मूला है दो तरह का है, मतलब ये किस तरह वर्क करता है डायग्राम से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. मतलब सपोज ये एक लाइन है या दो पॉइंट हैं x1 y1 एंड x2 y2, ए और बी. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. कोई सी पॉइंट डिफरेंट पोजीशन पे हो सकता है किसी भी जगह, ये इनको डिवाइड कर रहा है किसी रेशो से k1 k2 से. मतलब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड करने हो और रेशो बता दी जाए कि ए बी को इस रेशो से डिवाइड कर रहा है, तो ये सी वाला पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं. तो उसके लिए जो फॉर्मूला है जी एक्स वाई, सी वाला सेक्शन फार्मूला भी समटाइम इसको बोल दिया जाता है, रेशो फार्मूला भी कहते हैं. तो हमने क्या करना है जी, k1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, k1 x2 प्लस k2 x1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2. ठीक हो गया जी. और y कंपोनेंट भी इसी तरह फाइंड करेंगे, k1 y2 प्लस k2 y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2. ये वाला पॉइंट जो है, इस चीज़ का आपने याद रखना है कि ये इंटरनल डिवीजन है. डिवीजन क्या है, इंटरनली डिवाइड कर रहा हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपने. लेकिन उसने अगर वर्ड यूज़ कर दिया गया है एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली के लिए के फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंज आ जाएगी. वो क्या होएगी, k1 x2 माइनस k2 x1. तो जो प्लस है वो आपने माइनस कर देना उसको, और डिनोमिनेटर में भी k1 माइनस k2. सिमिलरली आप y में भी ऐसे ही काम करेंगे, माइनस k2 y1 डिवाइडेड बाय k1 माइनस k2. ये वाला फॉर्मूला उस वक्त यूज़ करेंगे जब पॉइंट्स जो हैं एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे होंगे. ठीक है जी. और अगर k1 और k2 सेम हो जाए, मतलब ये आप कह रहे हैं जी k1 और k2 की रेशो सेम दे दी जाए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला फिर बन जाता है, ये मिड पॉइंट में यही फॉर्मूला मिड पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है. तो मिड पॉइंट को जो फॉर्मूला है वो आपको सबको याद होगा, xy. ठीक है, अगर ये c मिड में है तो ये k1 और k2 दोनों ही 1-1 हो जाएंगे. तब दोनों ही 1-1 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा जी x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय, दोनों 1 है तो ये डिनोमिनेटर में 2 बन जाएगा. सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है जी. व्हेन k1 रेशो k2, दोनों रेशो क्या हो जाएंगी, 1:1. तो ये जो सेक्शन फार्मूला है या रेशो फार्मूला है, ये आपका मिड पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका भी एक एमसीक्यू देख लेते हैं, बड़े सिंपल से एमसीक्यूज होंगे इसके. क्या है जी, आपको रेशो गिवन होगी, पॉइंट्स गिवन होंगे, आपको जस्ट बताना है कि ये जो पॉइंट है इस रेशो से कौन सा पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा. तो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे आप सिंपल. मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करता हूँ. द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी दैट इज अ पॉइंट that divides each median in the ratio
ऑप्शंस हैं जी 1:2, बीटा ऑप्शन 2:1, चार्ली ऑप्शन 2:3 या डेल्टा ऑप्शन 1:3। ठीक है, आप बुक में एक्सरसाइज 4.1 से पीछे वाले पेज पे अगर देखेंगे तो एंड पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, वो यही है। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है कि आपको जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड आपको होता है मीडियन का जो मिड पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है मीडियन का, वो सेंट्रॉयड होता है। अब सेंट्रॉयड का जो पॉइंट सेंट्रॉयड है वो मीडियन को जिस रेशो से डिवाइड कर रहा होता है वो होती है जी 2:1। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रूफ है पूरा दिया गया लेकिन हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही इसको डायरेक्ट करते हैं। इसका एक और क्वेश्चन बना लेते हैं रेशियो फॉर्मूले से ही। द क्वाड्रिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट 2:6 एंड 3:4 एक्सटर्नली इन द रेशियो वन वन। अब के वन की वैल्यू भी दे दी गई है, के टू की वैल्यू भी दे दी गई है, जस्ट आपको एक्सटर्नली डिवीजन का फॉर्मूला यूज करना है। पॉइंट्स भी दिए हुए हैं 5.5/2, सी ऑप्शन 5.5-5 एंड डी ऑप्शन नॉट पॉसिबल। अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला देखें तो उसमें डिनोमिनेटर में K1-K2 यूज हो रहा है, तो K1 भी 1 है, K2 भी 1 है, तो 1-1 क्या हो जाएगा 0। तो एक्सटर्नली कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो सेम रेशियो से डिवाइड करे, ये उसी वक्त ही पॉसिबल है इंटरनली। तो इंटरनली में ये फॉर्मूला अगर 1:1 है तो ये मिड पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसने वर्ड जो यूज कर दिया गया है वो एक्सटर्नल का वर्ड यूज किया है। ओके, 4.1 से ही कुछ क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। सेंट्रॉयड ऑफ द ट्राइंगल जो इंपॉर्टेंट है, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस -2-3 एंड 2.2 इज ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी -5.4, ऑप्शन सी -3.4 एंड ऑप्शन डी इज 1:0। तो जो सेंट्रॉयड होता है, आपको भी ऊपर हम देख रहे थे, मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होती है वो आपका सेंट्रॉयड होता है। तो सेंट्रॉयड का जो फॉर्मूला है सिंपल है जी, आपने एक्स कंपोनेंट को ऐड करना है और 3 से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली वाई कंपोनेंट्स को ऐड करना है और 3 से डिवाइड करवा देना है। तो जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3-2 + 2 डिवाइडेड बाय 3, ये एक्स कंपोनेंट आ गया, और वाई कंपोनेंट क्या है, 1-3 + 2 डिवाइडेड बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/3 1, फर्स्ट एक्स कंपोनेंट 1 है जो कि डी ऑप्शन में मिल रहा है, और ये वैसे ही 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा सेंट्रॉयड डेल्टा ऑप्शन में है जी 1:0। तो सिंपल क्या करना है, ऐड करना है, 3 से डिवाइड करना है, वाई कंपोनेंट भी ऐड करना है और 3 से डिवाइड कर देना है। एक और क्वेश्चन है एक्स 4.1 में जिसमें आपको एच की वैल्यू फाइंड करनी होती है, पैरेललोग्राम दी गई है, वो भी लिख देता हूँ। फाइंड एच सच दैट द पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम मैंने लिखा है, ठीक है, विद वर्टिसेस ए -3:0, बी 1-2,
एंड सी इज 50 एंड डी 1, एच की वैल्यू बतानी है जिससे ये पैरेललोग्राम बन जाए 1, -1, 2 एंड -2। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हमें पता है जी वो वाली शेप है जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इस तरह होती है पैरेललोग्राम। ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। अब आपको तीनों वर्टिसेस, बल्कि चारों दिए हुए हैं, मैं चारों लिख के दिखा देता हूँ इसका। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं आपको एक शॉर्ट वे से बताता हूँ कि किस तरह आप इसको इजीली एग्जाम के अंदर टाइम सेव कर सकते हैं। नॉर्मली होगा क्या, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं जी, इसको ए बी की स्लोप फाइंड करके डी सी की स्लोप के इक्वल रखेंगे, या बी सी की स्लोप फाइंड करने के ए डी की इक्वल रखेंगे, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये एच की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप डायरेक्ट किस तरह करेंगे, जस्ट आपने क्या करना है, एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करना है। देखिए -3 + 5 और थर्ड वाले को माइनस कर देना है, डायगोनल्स को ऐड करना है और थर्ड वाले वर्टेक्स को माइनस करवा देना है, तो आपको एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा डी का। ये मैंने वैसे तो एक्स तो नहीं चाहिए, वाई चाहिए, मैं दोनों फाइंड करके दिखा रहा हूँ आपको। -1 तो ये हो जाएगा जी -3, -1, -4, +5 इज़ 1। देखिए इधर भी 1 ही दिया गया, लेकिन हमें तो वाई कंपोनेंट चाहिए। वाई कंपोनेंट के लिए भी सेम काम करें, डायगनल्स को ऐड करें 0 + 0 और दरमियान वाले ये जो थर्ड इसको माइनस करवा दें, तो -(-2) हो जाएगा। तो ये -2 क्या हो जाएगा, +2। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जिसका फोर्थ वर्टेक्स बता दें, या एक कंपोनेंट दे दिया हुआ है और दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी। और क्वेश्चन कोलिनियर से भी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें एक अननोन दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के या एच द पॉइंट्स 60, 32 and -3k आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है ये एक ही लाइन पे हैं, तो एक ही लाइन पे हैं तो ये k की वैल्यू क्या आएगी, 60, -6 डी ऑप्शन 1/6। तो अगर तो ये कोलिनियर है, इसका मतलब एक ही, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं इस तरह। ये देखिए, ये भी पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट ए बी और सी, तो अगर तीनों एक ही लाइन पे हैं, इसका मतलब है स्लोप ऑफ ए बी किसकी इक्वल होगी, स्लोप ऑफ बी सी के। ये काम कर सकते हैं, या आपने एक फॉर्मूला भी वार किया हुआ है जी, x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1, इसको 0 के इक्वल रख दें, तो ये कंडीशन भी है। तीनों पॉइंट्स आपको दिए हुएंगे, या तो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से कर लें तो k मिल जाएगा, या दोनों की स्लोप को सेम कर लें तब भी आपको k मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा जी 6। ठीक है जी, तो 4.1 में इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। अब और जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट वाला है, वो जी ट्रांसलेशन एंड रोटेशन 4.2 में ये डिस्कस किया गया है। वैसे तो एंटिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सरसाइज का कोई रोल नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, टॉपिक आने चाहिए। ठीक है, तो पहले ट्रांसलेशन की बात करते हैं। जो ट्रांसलेशन में फॉर्मूला जो है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के। ठीक है, इसमें ये जो एच और के हैं, ये न्यू सेंटर हैं, ये न्यू सेंटर है, मतलब अगर आपका ओरिजिन चेंज कर दिया जाए, सेंटर चेंज कर दिया जाए, ये न्यू ओरिजिन लिख लें, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट के, जाहिर सी बात है वो भी चेंज हो जाएंगे, तो कैपिटल एक्स वाई न्यू वाले होंगे और स्मॉल एक्स वाई क्या है, ओल्ड वाले हैं। ये इन केस ऑफ ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के लिए आपने ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है। और अगर रोटेशन वाला आ जाए, तो रोटेशन के लिए जो फॉर्मूला होगा कैपिटल, उसके लिए एंगल दिया जाएगा x cos θ + y sin θ एंड कैपिटल y इज इक्वल टू y cos θ
माइनस एक्स साइन थीटा। तो ये वाला रिजल्ट आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे उसके लिए जब एक्सिस क्या है रोटेट करवा रहे हैं, थीटा आपको गिवन होगा ठीक है, एक्स स्मॉल एक्स वाई आपके ओल्ड एक्सिस हैं और कैपिटल एक्स वाई क्या है न्यू एक्सिस हैं। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है इसके, एक एमसीक्यू इसका भी देख लेते हैं इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू है जी, इफ एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री देन न्यू एक्सिस न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ -2, 2 इस पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ऑप्शन ए -1√3, ऑप्शन बी -1+√3 और 1-√3, चार्ली ऑप्शन -1-√3 1+√3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1+√3 एंड 1-1-√3। तो ये क्वेश्चन में रोटेशन यूज की गई है, तो रोटेशन के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने लिखी थी कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, तो कैपिटल एक्स वाई ही फाइंड करने हैं तो उसकी हम वैल्यूज लिख लेंगे यहाँ पे। वो क्या आएंगी, एक्स की वैल्यू हमें दी गई है -2 और कॉस 60 डिग्री आएगा, प्लस वाई की वैल्यू 2 है और क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है जी 1/2 एंड साइन 60 इज √3/2। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, इधर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, -1+√3। अब -1+√3 देखें आपको बीटा ऑप्शन में एक्स कंपोनेंट मिल रहा है, जब आप वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसके लिए आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा जो कि बीटा ऑप्शन में दिया गया है ठीक है जी। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया जी बीटा। ओके जी, नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन आप और भी एक्सरसाइज में से टोटल 4 क्वेश्चन है उसमें से एक आधा आप और एक भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास 2 पॉइंट की हम स्लोप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, मतलब सपोज अगर ये पॉइंट दिया हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है स्लोप, स्लोप को एमसीडी नोट करेंगे। 2 पॉइंट अगर दिए हों तो y2-y1/x2-x1 इस फॉर्मूले से आप स्लोप फाइंड कर लेंगे ठीक है जी। लाइंस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल जो लाइन की जो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है ax + by + c = 0, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, जनरल है। इसकी अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी हो तो y = mx + c, इसको हम कहते हैं जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें बात की जाए तो ये जो m है ये स्लोप है और ये जो c है ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट जो लाइन y एक्सिस को कट कर रही होती है। उसके बाद अगर एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हो तो हम यूज करते हैं जी पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए जो फॉर्मूले अपने पढ़े हुए मैं वही रिवाइज करवा रहा हूँ ठीक है, जिसे हम कहते हैं जी पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट और एक स्लोप हो तो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें। अगर 2 पॉइंट दिए हो तो y-y1 जस्ट m की जगह पे फॉर्मूला यूज कर लें y2-y1/x2-x1। तो 2 पॉइंट दिए हो तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ठीक है जी। उसके बाद जो फॉर्मूला है जी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर दोनों ही इंटरसेप्ट आपको दिए हों तो उसके लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं x/a + y/b = 1, ये हमारी जी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सारी फॉर्म आपको याद होंगी तभी आप इक्वेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है। इसमें ये जो a है ये x इंटरसेप्ट है, दिस वन इज x इंटरसेप्ट
और ये जो बी है ये हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट है। उसके बाद ये नॉर्मल फॉर्म भी है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये है जी नॉर्मल फॉर्म लाइन की, किस तरह बनाते हैं ये हम एमसीक्यू में ही सीखेंगे। इसमें ये जो p है ये बड़े काम की चीज है, ये होता है जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है जी ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें, तो आपने जस्ट नॉर्मल फॉर्म बनानी है। नॉर्मल फॉर्म में जो जो पी होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, ठीक है जी। तो इसका एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मजीद एमसीक्यू हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक एमसीक्यू है जी अ लीनियर फंक्शन, या सपोज पहले इजी वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन। ऑप्शन ए y इज इक्वल टू वन ओवर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन। बी ऑप्शन y इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस थ्री। सी ऑप्शन y इज इक्वल टू वन बाय थ्री एक्स प्लस फाइव। एंड डेल्टा ऑप्शन y इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री एक्स प्लस सेवन, ठीक है। तो वो लाइन बतानी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है m1 m2 इज इक्वल टू माइनस वन व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इन केस अगर स्लोप सेम है, स्लोप क्या है सेम है, तो लाइंस क्यों आएंगी पैरेलल होंगी, लाइंस आर पैरेलल। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन की इक्वल है। तो यही रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि अब देखें ये इंटरसेप्ट फॉर्म दी गई है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट में जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। अब एक्स का कोफिशिएंट माइनस थ्री है और अगर इस लाइन की स्लोप माइनस थ्री है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप होगी वो एक्चुअली इसका रेसिप्रोकल होगा और नेगेटिव होगा, ठीक है, ये वाला रिजल्ट यूज करके। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो ये बन जाएगा जी वन बाय थ्री। तो वन बाय थ्री आपको देखिए सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। एक और एमसीक्यू इसका देख लेते हैं। If the graph of if the graph pi x plus square root 2y plus square root 3 is equal to 0 is perpendicular to the graph ax प्लस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ऑप्शन ए माइनस फोर पॉइंट फाइव, ऑप्शन बी माइनस टू पॉइंट टू टू, ऑप्शन सी माइनस वन पॉइंट थ्री फाइव एंड ऑप्शन डी जीरो पॉइंट फोर फाइव, ठीक हो गया। अब दो लाइंस ग्राफ जाहिर सी बात है ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अब दोनों लाइंस उसने क्या परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल होगा। स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, वो क्या है जी माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशेंट ऑफ वाई, ठीक है जी। एक तो वह ये है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, जो तो एक्स का कॉफिशेंट होगा वो हमारी क्या हो जाएगी स्लोप होगी। या दूसरा तरीका ये है अगर जनरल फॉर्म में दिया गया तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई, सिंपल ये काम करना है। अब देखिए पहले वाली की अगर स्लोप की बात की जाए तो वो हो जाएगी जी माइनस पाई ओवर स्क्वायर रूट टू, ठीक है। दूसरी वाले लाइन की बात की जाए तो दूसरी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी माइनस ए ओवर थ्री, ऐसे ही है।
क्योंकि कॉफिशियंट ऑफ एक्स और कॉफिशियंट वाई, और दोनों का प्रोडक्ट चूंकि परपेंडिकुलर है तो माइनस वन के इक्वल रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ से, तो ए की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस में आएगी 3√2 डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 3.142। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आंसर 1. समथिंग में ही आएगा, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली 3 है, ऊपर भी 3 है, तो 3 कैंसिल हो गए, √2 का आंसर 1. समथिंग होता है, और 1. समथिंग जो है एक ही ऑप्शन में आपको मिल रहा है जो कि सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस तरह आप ये रिजल्ट यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी फॉर्म आपको आनी चाहिए हर हाल में। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह इसके और टाइप के क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।